किसी भी गाना को डीजे रिमिक्स कैसे करें। भाई इस टॉपिक पे जब भी मैं वीडियोज बनाता हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट हमें करते हो। यहाँ पे देखो मैंने एक महीना पहले ये वाला वीडियो जस्ट बनाया था, आप लोगों ने 70 के प्लस व्यूज यानी कि 70,000 से ज़्यादा ही व्यूज यहाँ पे आ चुका है इस वाले वीडियो पे एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक आप लोगों ने किए, यानी कि कुछ सीखने को आप लोगों को मिलता है। सो भाई फाइनली मैंने एक वीडियो और यहाँ पे ये वाली लेके आ चुका हूँ, किसी भी गाना को डीजे रिमिक्स कैसे करें अपने मोबाइल से। सो भाई इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लोगे कसम से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाओगे इस वीडियो से कि गाना को कैसे रिमिक्स करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तब भी देख सकते हो, अगर नहीं है फिर भी देख सकते हो, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास FL स्टूडियो मोबाइल है तो चलिए सिखाते हैं आपको, अगर नहीं है फिर भी देख लो नॉलेज के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। तो गाइस फाइनली देख सकते हो यहाँ पर मैं फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले आपको कोई सा भी गाना रिमिक्स करने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि आपको बहुत काम आएगा, यानी कि वही चीज़ जो है एप्लीकेशन सारा चीज़ बताता है जो इसका BPM कितना है और BPM के हिसाब से ही आप गाना को रिमिक्स कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा क्रॉस DJ प्रो का, तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। और एक FL स्टूडियो मोबाइल है ये आपको पैसे में मिलेगा या फिर फ्री में आपको जहाँ से मिलता है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको क्रॉस DJ एप्लीकेशन में जाऊँगा एंड इसमें यहाँ पर आपको कोई भी सॉन्ग मतलब जिस भी सॉन्ग को आपको रिमिक्स करना है ना उसको यहाँ पे आपको VPM चेक करना है। आप कैसे करना है यहाँ पे देख सकते हो, ओपन हो चुका है वो एप्लीकेशन और मिक्स वेव्स यहाँ पे कंपनी का नाम है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा बट ये ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये ओपन हो गया है। अब जो यहाँ पे देखो प्लस के आइकन दो ब्लिकिंग कर रहा है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो आप किसी भी साइड प्लस के आइकन पर एक बार क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर आपको आपके फाइल में सारे जितने भी सॉन्ग होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपके स्टोरेज में या फ़ोन में जितने भी सॉन्ग है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे सर्च करके वो गाना निकाल लेता हूँ जिसे हमें रिमिक्स करना है और उसका BPM चेक करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं नाम लिख रखा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार का नाम लिखा एंड सर्च पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा गाना यहाँ पे आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे गाना पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर में देख सकते हो प्रोसेसिंग चल रहा है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग चल रहा है, ये अभी थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगा तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ज़्यादा देर यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं लेता है तो वेट करते हैं। अगर ये प्रोसेसिंग पूरा हो जाएगा तो आपको नीचे में यहाँ पे BPM दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सनाइस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको BPM दिख जाएगा। सो यहाँ पर प्रोसेसिंग ले चुका है, यहाँ पर देख सकते हो 138 BPM इस गाने का BPM 138 है और अब इस 138 के हिसाब से आपको गाना रिमिक्स करने में आसान हो जाएगा, यानी कि आप बीट पता कर लिए कि कितने का ये BPM का है। तो यहाँ पे देख सकते हो 138 है, तो अब आपको डायरेक्ट यहाँ से बाइक आ जाना है। ओके, तो हम यहाँ से इस एप्लीकेशन से वापस आते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे एंड दोस्त यहाँ पे फ़ोन के स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको FL स्टूडियो मोबाइल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो सॉन्ग को हमने अभी देखा BPM उस सॉन्ग को FL स्टूडियो मोबाइल के अंदर में लाना है, यानी कि लाने के लिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो यहाँ पे ओपन हो चुका है मेरा FL स्टूडियो मोबाइल, तो थोड़ी देर वेट करते हैं देख सकते हो एंड न्यू पे हम क्लिक करते हैं इम्पेक्ट और यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले अगर आप FL स्टूडियो मोबाइल को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। तो अब हमें फाइल मैनेजर में आ गया हूँ एंड डिवाइस में स्टोरेज में जाता हूँ एंड यहाँ पे अगर FL स्टूडियो मोबाइल आप डाउनलोड किए होंगे तो आपके फाइल में एक यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुका होगा फाइल FL यूजर फाइल के नाम से, तो इसमें आपको चले जाना है। सबसे पहले तो वो सॉन्ग कॉपी करना है और इसमें आपको आ जाना है। आने के बाद मैं सैंपल में जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है वो सॉन्ग, यहाँ पे देख सकते हो नाम कहाँ गया। सो मैं आपको नाम यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो अखिया देख सकते हो यहाँ पे ये वाला सॉन्ग है जो कि मैंने पेस्ट कर रखा है और यही सॉन्ग अब मैं आपको FL स्टूडियो में लेके चलता हूँ, अब मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर FL स्टूडियो पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर इसे ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अब आपको प्लस का एक आइकन दिखेगा यहाँ पे वाइट सा देख सकते हो बीच में, तो अब इस पर आपको क्लिक कर देना प्लस वाले आइकन पे। ओके,
प्लस के में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस और भी खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ड्रम इंस्ट्रूमेंट ऑडियो क्लिप, तो भाई आपको ऑडियो क्लिप पे क्लिक कर देना। जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा माई फाइल का एक फाइल, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हमने किस चीज़ में रखा था, माई सैम्पल में डाल के रखा था भाई, इस पर हम आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वो सॉन्ग दिख जाएगा जो चीज़ हमने डाला था। तो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है अखिया वाले सॉन्ग दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो वो सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो चुका है, और कट वाले ऑप्शन पे हम ऊपर में जो है यहाँ पे उस पर एक बार क्लिक कर देंगे। तो क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फाइनली आ चुका है मेरा वो सॉन्ग, देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा सॉन्ग यहाँ तक इधर करोगे स्क्रॉल तो आ गया है। ओके, अब जो आपको करना है ना, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा BPM का ऑप्शन, तो मैंने BPM कितना देखा था 138। ओके, तब इस पर आपको क्लिक करना है एंड इसे घुमाओगे ना भाई, ये घूमता है, देखो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो ये है बिट, हम इसे सेट करेंगे 138 बिट का, मतलब BPM का था। तो यहाँ पर हम करते हैं 138 लेके चलते हैं, तो भाई यहाँ पर 37 और यहाँ पे 37.7 37.8 38 आ चुका है। अब इस एक बार इस पर टैप कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो 138 BPM का यहाँ पे सेट हो चुका है। अब जो आगे का प्रोसेस है, हमें इसका जो है बैकग्राउंड म्यूजिक को रिमूव करना है। तो पहले गाना सुन लो थोड़ा सा, कौन सा है तो देख सकते हो, तो कुछ ये गाना है जो कि भोजपुरी में है, भोजपुरी गाना है, और इसका जो मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक रिमूव करना है, तो आपको एक बार इस गाने पे टाइप करना है, इस पे आपको एक बार टाइप करना है अपने गाने पे। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक छतरी का आइकन दिखेगा आपको एक कोने में साइड में यहाँ पे, उस पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको एक प्लस का आइकन शो करेगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएगा, सबसे पहले प्रामा EQ आपको ले लेना है, इसके बाद ग्राफिक EQ लेना। तो सबसे पहले मैं प्रामा EQ लेता हूँ एंड इसे मैं करता हूँ नीचे, एंड यहाँ पे ऊपर में लो सेल्फ पे आपको क्लिक कर देना है। लो सेल्फ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसको ऊपर बढ़ाना है और इसको भी यहाँ पे कम करना है। अब देखो बंद करना है, फिर से प्लस पे जाना है और यहाँ पे ग्राफिक EQ लेना है और इसे करना है नीचे, इसे करना है थोड़ा सा नीचे, इसे थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा, इसे थोड़ा सा, बस देखो अब देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से अभी बेस पूरा गया नहीं है, इसे थोड़ा सा इतना रहने देना, इसे और भी ऊपर और इसे थोड़ा सा ऊपर, एंड फिर से प्लस के आइकन पे जाना और फिर से प्रामा EQ ले लेना है और फिर से इसे लो सेल्फ पे क्लिक करना और फिर से वही काम करना है आपको, पूरा आपको क्लीन करना है इसका बैकग्राउंड। ओके, तो शायद अभी तो बहुत यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक हट चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक था, और इस पर हम मिक्सिंग करेंगे तो काफ़ी बेकार लगता है, इसलिए यहाँ से रिमूव कर देना। तो मैंने यहाँ पे 3 प्लगइन्स ले लिया, देख लिया आपने किस प्रकार से ले लिया, तो जस्ट यहाँ से बैक आ जाना है। एंड अब आपको क्या करना है ना, कोई यहाँ पे पैटर्न उटर्न आपको बनाने नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ से इसके मेन पॉइंट है यहाँ पे, देख सकते हो मैंने जूम कर लिया, मेन पॉइंट यहाँ से अभी है। ओके, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। तो अब यहाँ पे जो है ना, एक यहाँ पे चाहिए था हमें, चाहिए यहाँ पे एक ब्रेक पैटर्न, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक पैटर्न चल रहा है, तो वो ब्रेक पैटर्न चाहिए। तो सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करना, ऑडियो क्लिप पे यहाँ पर क्लिक करना और माय फाइल पे, और मैंने जो यहाँ पे काफ़ी सारा पैक इसमें यूज कर रखा, तो उस पैक का आपको लिंक चाहिए तो मेरे इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो ये सारे पैक, DJ पैक जितना भी सारे मैं डाल रखा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2-3 वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना, डाउनलोड कर लेना। तो भाई यहाँ पे आप चलते हैं फिलहाल अपने मलाई लूप्स पैक पे। तो यहाँ पे
ये देखते हैं एक बार लेके। तो यहाँ पे मैंने इसे ले लिया और इसे पीछे करते, ये पूरा मिलाया मुलाया हो, मतलब मिला जुला ये वो है, BPM पैक है, ब्रेक पैक है, जो कि यहाँ पे सेट अपने आप हो जाता है, बस आपको इतना तक जूम करना है। और यहाँ से देख सकते हो तो स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई हम भी इसे यहाँ से खिसका के ले आएंगे, छोड़ देंगे। अब हम सुन के देखते हैं थोड़ा सा। देखो अभी ना आपको ये इसका सॉन्ग ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, इसका सॉन्ग ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा ब्रेक पैटर्न को। अभी हेडफोन लगा के आप सुनोगे ना तो एक नंबर यहाँ पे बेस देगा एंड मस्त आवाज़ देगा। और इसे यूट्यूब पे अपलोड करोगे ना तो कॉपीराइट क्लेम आने का चांस भी नहीं रहेगा, क्योंकि भाई मैंने सॉन्ग का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दिया है, इसलिए देखो अब। अब देखो हमें यहाँ से देखो कहाँ तक ब्रेक पैटर्न है, मैं देखता हूँ सबसे पहले। और देखो यहाँ से देखो, यहाँ से हो रहा है हमारा बेस वाला मतलब डीजे मतलब बेस जो रहता है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से गिर रहा है। ओके यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से बेस गिर रहा है। तो हमें प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और ऑडियो क्लिप पे जाना है, मैं फाइल पे, और भाई मैं यहाँ पे बेस वाला वो ले लेता हूँ, मेरे पास और भी है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे वेब 26 में लेता हूँ सबसे पहले, वेब 26 कित गया। तो यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो हम ये लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे देखो एक नंबर यहाँ पे सेट हो गया, और इसे खींचते जाता ले जाना ले जा सकते हो। सबसे पहले अब यहाँ पे बीच में जो रह गया है वो ये है, यहाँ तक लाना है आपको। देखो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको एक वो चाहिए। देखो सबसे पहले तो अब शुरुआत से सुनते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चाहिए जो कि एट्रैक्टिव लगे सुनने में। यहाँ पे तो प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, ऑडियो क्लिप पे, माय फाइल पे, एंड मैं अपना एक और पैक है आदित्य राज फुल पैक, ये पैक भी मैं दे रखा हूँ तो ले लेना। और यहाँ पे भाई इसका हम लगाएंगे कुछ जुगाड़। चलो यही लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमने ये ले लिया और इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे, थोड़ा सा खींच के लाएंगे, और भाई ये यहाँ पे सेट हो चुका है। अब देखते हैं, देख सकते हैं थोड़ा सा साउंड इसको कम करेंगे। अभी सुनते जाओ, देखो अभी चल ही रहा है ये। तो यहाँ तक हम लाएंगे, देखो फिर से कॉपी करते हैं इसी को, और फिर से यहाँ पे मुझे लग रहा है ब्रेक पैटर्न की तरह आ रहा है। देखो अब यहाँ पे हम इसे करते हैं पेस्ट, पेस्ट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या मज़ा आता है, देखो यहाँ पे हम करते हैं इसे भी पेस्ट और थोड़ा सा बैक, एंड इसे भी हम यहाँ पे रख देते हैं। अब देखो रखने के बाद ना मुझे इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ब्रेक पैटर्न का, तो कम करते हैं भाई, इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब देखो Let's
तो अब यहाँ से हम फिर भी कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं यही वाला, क्योंकि भाई बीच बीच में ब्रेक पैटर्न दे देता हूँ, नहीं भी दे सकते हो दे भी सकते हो, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं दे रहा हूँ, तो आप सीख रहे हो ना थोड़ा बहुत। ओके तो यहाँ पर कॉपी करना है इसको और यहाँ पर करना है पेस्ट फिर से, एंड यहाँ से आपको खींच के इसे यहाँ पर लाना है, देख सकते हो यहाँ पर खाली जगह में, ताकि अच्छा लगे सुनने में। ओके तो यहाँ पे अब सुनाता हूँ, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे फिर से एक ब्रेक पैटर्न मांग रहा है, तो फिर से प्लस के आइकन में जाना, फिर से ऑडियो पे जाना है, और भाई यहाँ पे मैंने सारे पैक दे रखा है देख सकते हो, फिर से जाना है आपको मलाई म्यूजिक लूप, यहाँ पे मैं ये पैक ले लेता हूँ। ओके अब देखता हूँ यहाँ पे चला के एक बार। ओके तो यहाँ पे ब्रेक पैटर्न था तो हमने ब्रेक पैटर्न ही लिया, और यहाँ पे ये देखते हैं कहाँ तक चलता है, फिर क्या आता है बीच में। देखो देखो एक मिनट, देखो ये यहाँ तक आया है, इसके बाद देखो इसके बाद यहाँ भी ब्रेक पैटर्न एक लगेगा, फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऑडियो क्लिप पे जाना, माय फाइल पे, तो भाई कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा तभी गाना रिमिक्स होगा, तो सुन सुन के और आप करना आके। तो ये यहाँ पे लगाते हैं देखो, देख सकते हो यहाँ पे ये लग चुका है। अब आगे क्या लगेगा आपको पता ही है, यही बेस वाला लगेगा कॉपी करके, और भाई यहाँ पे देख सकते हो अपने आप बेस बनता जा रहा है, और यहाँ पे हमें रखना है इसको, बस जैसे रखते जाओगे बेस बनता जाएगा, और भाई तो और भी देख सकते आगे, यहाँ पे आके फिर से ब्रेक लेकर देखो, यहाँ पे यहाँ से ले रहा है ब्रेक, और तब तक हमारा सॉन्ग यहाँ तक चल रहा है, तो हम चलाते देखो। तो यहाँ पे हम फिर से कॉपी करेंगे अपना ब्रेक पैटर्न, और भाई फिर से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखो भाई आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, इसलिए तो मैं आपको ये इजी तरीका बता रहा हूँ, जाके सीख में मतलब सीख जाओगे, अगर आप ये चीज़ करना सीख जाओगे तो आप अपने खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो बेस मतलब पैटर्न वगैरह, ब्रेक पैटर्न, हार्ड पैटर्न सब क्रिएट कर सकते हो पहले इस प्रकार से अगर सीख जाओगे तो। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं चला के, ओके सॉरी, तो ये हमारा ब्रेक पैटर्न नहीं था, कुछ और पेस्ट हो गया था, ब्रेक पैटर्न यहाँ पे हैं तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अब चलाते हैं, और फिर से यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक पैटर्न के बाद भाई फिर से वही अपना ड्रामा कॉपी करना है, बस देखो। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा आगे और पीछे करके देखते हैं, हाँ सो गाइज यहाँ पे मैंने इतना आपको रिमिक्स कर दिया, और बाकी आगे भी है कॉपी पेस्ट का ही मामला है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको मैं पूरा मिक्सिंग करूँ तो पता ही है कितना, आधा एक घंटा
लग जाएगा। तो यार इतना देर तक का वीडियो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो मैं पहले मिक्स करके इसी गाना को रखा हूँ। एंड इसका जो है ना FLP या फिर FLM प्रोजेक्ट जो भी होता है उसका लिंक मैं दे रखा हूँ, तो डाउनलोड कर लेना और इसे वो चीज़ आप अपने फाइल में मतलब अपने FL Studio मोबाइल में ओपन करना। भाई यहाँ पर मैंने सेव कर रखा, देखो किया तो हर सारा भी। तो इसे मैं क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ और जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आप में ये सारा चीज़ खुल के आ जाएगा, जो चीज़ मैं यूज कर रखा हूँ एंड जो चीज़ यहाँ पे लग रखा है, देखो सारा चीज़ खुल के आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले प्ले करता हूँ यहाँ पे। सो गाइस आप लोगों ने सुन लिया किस प्रकार से रिमिक्सिंग हो रखा है। तो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड कोई भी प्रॉब्लम आए हो तो मेरे इंस्टाग्राम के आईडी पे आप जा सकते हो और भाई पूछ सकते हो यहाँ पे क्वेश्चंस एंड मेरे से बात कर सकते हो। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और भाई सारे चीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल रखा हूँ। तो एक कॉमेंट कर देना और प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय, टाटा।